बदले की आग में साले ने जीजा की मोबाइल आईडी से मुरादाबाद रेलवे स्टेशन उड़ाने की धमकी दे डाली। एक युवक का मुमेरा जीजे से किसी बात को लेकर विवाद हो गया था। जीजे से बदला लेने के लिए और उसको फंसाने के लिए युवक ने जीजा की आईडी से मोबाइल सिम लेकर नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के नंबर पर मुरादाबाद रेलवे स्टेशन को उड़ाने की धमकी दे दी। जीआरपी ने युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मुरादाबाद में जीआरपी पुलिस ने रेलवे स्टेशन को बम से उड़ाने की धमकी देने पर युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। पकड़ा गया आरोपी मूल रूप से जनपद हरदोई का रहने वाला है और हाल ही में आरोपी और उसका परिवार बिरौली में रह रहा है। युवक के पास से जीआरपी ने धमकी देने में इस्तेमाल में लाए गए मोबाइल फोन को भी बरामद कर लिया है। आरोपी युवक ने विवाद के चलते अपने जीजा को फंसाने के लिए उसकी आईडी से सिम खरीदा और फिर रेलवे हेडक्वार्टर में फोन कर मुरादाबाद रेलवे स्टेशन को बम से उड़ाने की धमकी दी, जिस पर अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर जीआरपी जांच कर रही थी। इंस्पेक्टर जीआरपी पंकज पंत के मुताबिक नई दिल्ली स्थित रेलवे हेडक्वार्टर में फोन करके मुरादाबाद रेलवे स्टेशन को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। फोन आने पर नंबर को सर्विलांस पर लिया गया था, जिसमें बिरेली निवासी युवक आशुतोष मित्रा को गिरफ्तार कर लिया गया। जीआरपी इंस्पेक्टर पंकज पंत का कहना है कि पूछताछ में उसने बताया कि उसका जीजा संजय कुमार भी रेलवे में काम करता है, उससे पारिवारिक विवाद चल रहा है, उसे फंसाने के लिए उसकी आईडी से सिम खरीदा और फोन कर स्टेशन उड़ाने की धमकी दे डाली। लेकिन जीआरपी की सर्विलांस टीम ने जब नंबर ट्रेस किया तो आरोपी पकड़ा गया। पुलिस ने उसके पास से धमकी वाला सिम और मोबाइल भी बरामद किया है। इसमें ऐसा है, 18/19 को जो है हमें हमारे कंट्रोल रूम से सूचना मिली थी, किसी व्यक्ति ने दिल्ली में एनएसजी हेडक्वार्टर में मुरादाबाद स्टेशन को उड़ाने की धमकी दी थी मोबाइल नंबर अपने मोबाइल से। तो उसी क्रम में हमने जो है ट्रेस किया सारा, उसमें तफ्तीश करी, मुकदमा हमने पंजीकृत उसमें कर दिया। उसके बाद जो है विवेचना के क्रम में वो नंबर को ट्रेस किया गया, तो वो नंबर एक स्टूडेंट का निकला जो बरेली में रह रहा है। वैसे तो उसके पिता रेलवे में हैं, बिलारी में, संभल साइड में, तो उसका वो रहता, पढ़ाई करता, आईटीआई करता है। तो उसके द्वारा ये धमकी दी गई थी, और धमकी इसलिए दी गई थी क्योंकि उसके अपने बहनोई ममेरा बहनोई हैं संजय शुक्ला, उनसे कुछ पारिवारिक विवाद चल रहा था। तो इस लड़के ने ये सोचा, ये अभिषेक मिश्रा इसका आशुतोष मिश्रा इसका नाम है, तो उसने ये सोचा कि मैं इनके आईडी से जो है धमकी दे दूंगा तो ये फंस जाएंगे। तो इसी क्रम में उसने उसी पेशबंदी में जो है धमकी दे दी थी, तो उसे हमने अरेस्ट करके जेल भेज दिया। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाए।